हाई स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर टेन इकोनॉमिक्स लेके आए हुए हैं सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई इसके पहले सारा वीडियो आप लोग का चल गया है ये देखिएगा ये आप लोग को चैप्टर नंबर कितने से है चैप्टर नंबर टेन आपका है चैप्टर कितना है दस सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई का ऑब्जेक्टिव है इसके पहले आप लोग का नाइन्थ चैप्टर तक चला गया है साधे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लिया करो कॉपी में नोट करने के बाद इसको रिविजन में लग जाओ इसलिए हम बोले कि अभी तो मान लें कि अभी क्लास टेस्ट होता है क्लास में टेस्ट होता है अभी तो आप वीडियो से देख के पढ़ सकते हैं लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा उस समय उस समय आपका केवल कॉपी काम करेगा ठीक है चलिए आते हैं ये चैप्टर नंबर आपका दस है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई चलिए देखिए आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ध्यान से देखिए सप्लाई इज एसोसिएटेड एस विथ सप्लाई बोला कि किससे जुड़ा हुआ है देखिएगा फर्स्ट ए टाइम पीरियड प्राइस बोथ ए एन बी नॉन ऑफ दी इसका सही आंसर क्या है सी है जो सप्लाई है ना हमेशा टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है प्राइस से रिलेटेड होता है सप्लाई ठीक of of है ना नेक्स्ट पॉइंट चलिए टू देखिएगा डिटा डिटर्मिनाटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज देखिए क्या लिखा है डिटर्मिनाटिंग फैक्ट ऑफ सप्लाई फैक्टर इज प्राइस ऑफ गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल ऑफ दीज इसका देखिए सप्लाई को प्रभावित करने वाला है सप्लाई को अफेक्ट करने वाला ये सारा फैक्टर देखिए डिटर्मिनेटिंग फैक्टर मतलब होता है कि कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को प्रभावित करता है कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है तो कौन कौन फैक्टर है प्राइस ऑफ गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपको प्राइस ऑफ आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल ऑफ एब इसका सही आंसर क्या होगा डी होगा देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है देखिए बिहार बोर्ड 2018 में भी पूछा हुआ है बिहार बोर्ड 2018 में देखिए पूछा हुआ देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट सही है प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशनशिप बोला कि प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये सही है सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये भी सही है सप्लाई कर्व कैसा होता है इधर लेफ्ट टू राइट ये सही है ये भी सही है अगला पॉइंट देखिएगा सप्लाई इज अफेक्टेड बाई मेनी फैक्टर्स ये भी सही है सप्लाई अनेकों फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है ऑल ऑफ एव इसका सही आंसर क्या होगा डी होगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्लोइंग फंक्शन शो द लॉ ऑफ सप्लाई देखिए ये भी बिहार बोर्ड कब पूछा हुआ है दो हजार उन्नीस में विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन शो लॉ ऑफ सप्लाई इसमें से कौन सा फंक्शन लॉ ऑफ सप्लाई को दिखाता है एस इजकल टू एस मत सप्लाई एस इजकल टू फंक्शन पी इसमें से बताइए एस इजकल टू एफ वन बाई पी एस इजकल टू एफ क्यू नॉन ऑफ दी आप लोग कॉपी में चेक करो यही पॉइंट लिखा है सप्लाई फंक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाता है एस इजकल टू एफ पी एस मतलब सप्लाई एफ मतलब फंक्शन पी मतलब प्राइस नेक्स्ट पॉइंट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए था फाइव नंबर ऑन विच एजप्शन लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड किस एजप्शन पर लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड होता है देखिएगा चार ऑप्शन है देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट अगला पॉइंट प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल टेक्नोलॉजी लेबल रिमेन स्टेबल ऑल ऑफ एवर इसका सही आंसर क्या होगा डी होगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इफ अदर थिंग्स बिंग सेम क्या बोला इफ अदर थिंग्स बिंग सेम वॉजिटिव रिलेशनशिप बिट्वीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाइड देखो ये भी आपका बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है दो हजार इक्कीस में बोला अदर थिंग्स बीन इक्वल यदि सब चीज सही है व्हाट्स व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सिग्निफाई क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड इलासिटी ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई फंक्शन देखिए इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप कौन दिखाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई आप तो जान ही रहे यदि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा बढ़ेगा ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है अगला पॉइंट चलिएगा देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज़ देखिए बिहार बोर्ड कितना पूछा हुआ है देखो 2016 19 22 ये क्वेश्चन तीन तीन बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है देखिएगा द रीजन ऑफ डिक्रीज इन इज सप्लाई में डिक्रीज होने का कौन कौन रीजन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ये भी सही है इनक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्यूट ये भी सही है फॉल इन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द माइक इंडस्ट्री ये भी सही है ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर क्या हो देखिए सप्लाई घटने का सारा रीजन है ये सारे रीजन के द्वारा सप्लाई में क्या होता है डिक्रीज होता है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपका फिगर वाला आ गया जो कि हमेशा पूछता है आप लोग का एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिगर वाला भी रहता है एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन क्या है फिगर गि राइट सो कि दिया है क्या दिखाता है देखिए ये आपका ओरिजिनल फिगर है ये वाला हो गया। क्या दिखाता है देखिए सप्लाई में नया कर्ब नहीं बनता है उसी पर हम लोग नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं क्वांटिटी बढ़ता है देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई नहीं कॉन्ट्रेक्शन में क्वांटिटी घटता है एक्सटेंशन में सब क्वांटिटी बढ़ता है लेकिन प्राइस सेम होता है यहां पर देखिए प्राइस भी चेंज हुआ प्राइस यहां से चेंज होकर यहां हुआ और एक्सटेंशन और कॉन्टेक्शन में प्राइस चेंजिंग नहीं होता है क्वांटिटी में केवल चेंज होता है इंक्रीज इन सप्लाई इसका सही आंसर क्या होगा सी है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच ए सेलर बिकम

बोर्ड सत्रह इक्कीस बाईस कॉमर्स में पूछा हुआ है इसका मतलब होता है कॉमर्स यही सब तो एग्जाम में आपको टॉपर बनाएगा या देखेगा एक के के आपको में सेट करते चलो क्वेश्चन नंबर टेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि देखिए अनेकों भाई बिहार बोर्ड में देखिए कितना पूछा हुआ है ये सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं देखिए क्वेश्चन क्या है सप्लाई इट्स ओन डिमांड हु इसमांड इट देखिए सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड हु सेट इट बोला कि सप्लाई स्वयं डिमांड को क्रिएट करता है ये किसने बोला था जे प्रोफेसर जेबी से रिकार्डो प्रोफेसर पीगू किंगस ये किसने बोला था ये प्रोफेसर जेबी से इन्होंने बोला था कि सप्लाई स्वयं डिमांड को क्रिएट करता है जेबी से क्या बोला था सप्लाई जो है डिमांड को स्वयं क्रिएट करता है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिये क्वेश्चन नंबर इलेवन आपका है विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स एंड इट्स प्राइस बताइए क्वांटिटी सप्लाई हम आपको पहले बताएं कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा इस रिलेशन को क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन इस रिलेशन को क्या बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा ठीक ना चलिए देखिएगा इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप नॉन ऑफ दीज इसका सही आंसर क्या है डायरेक्ट है कोई दिक्कत नेक्स्ट पॉइंट चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज सप्लाई गुड्स देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज सप्लाई गुड्स देखिए बिहार बोर्ड आपका आर्ट्स में पूछा हुआ है देखिएगा एवेलेबल स्टॉक फॉर सेल्स टोटल स्टॉक इन वेयर हाउस क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट फॉर सेल एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोला कि किसको सप्लाई बोलेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज सप्लाई गुड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी देखिएगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट फॉर सेल देखिए आपका समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त देख लिया कोई दिक्कत आपको क्या हो गया ये चैप्टर नंबर टेन आपका समाप्त हो गया ये चैप्टर नंबर टेन में टोटल क्वेश्चन कितने से है इसमें से भी एक नेक आपको कंफर्म एग्जाम में आएगा तो एक बार फिर से बोलते हैं और एक लास्ट टॉपिक जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है आप लोग आपके भी साइकिल में जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबके पास आप लोग वीडियो भेज दो ताकि आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा ठीक है ना ठीक सभी को थैंक यू